सारी दुनिया के धन्ना सेठों को जिसने खूब फायदा पहुंचाया, उसे पैसे की कमी कैसे होने देंगे। धन्ना सेठ कॉर्पोरेट तो भारत की जनता अब हेलीकॉप्टर के साथ जेट विमान से भी चुनाव प्रचार देखेगी। भले करोड़ों जनता गरीबी रेखा से नीचे जीने मजबूर हो, बीजेपी को इससे क्या फर्क पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने हेलीकॉप्टर्स के बड़े किराए पर लिए हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने बुक कराए हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर और अन्य राजनीतिक दल इन दोनों दलों से काफी पीछे हैं। बीजेपी ने 32 हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा किराए पर लिया है। इनमें से 20 सामान्य हेलीकॉप्टर और 12 बिजनेस जेट्स शामिल है। वहीं कांग्रेस ने 10 हेलीकॉप्टर्स और 4 बिजनेस जेट्स की बुकिंग कराई है। बीजेपी ने सिर्फ हेलीकॉप्टर्स बुक कराने में ही बाजी नहीं मारी, पार्टी ने इसके लिए दिल खोल कर पैसा खर्च किया है। बता दें कि बिजनेस जेट्स किराए पर लिए हैं, जिनका एक घंटे का किराया अगर बताएं तो 2,80,000 रुपए है। पार्टी ने फैलकोन 4,000 भी बुक किया है, जो 4,00,000 रुपए प्रति घंटा की दर से किराए पर मिलता है। अब आप ही सोचिए, इतने पैसे सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। बीजेपी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है गरीब किस हालत में अपनी जिंदगी बिता रहा है। आज भी कई राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और गरीब को एक समय का खाना नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन इस नेता को बस अपनी कुर्सी की पड़ी है, इसलिए लाखों रुपए बिना कुछ सोचे चुनाव प्रचार में खर्च कर देती है। इससे अच्छा होता कि बीजेपी पार्टी इस पैसे को जनता को देते, कम से कम जनता का भला हो जाता। लेकिन बीजेपी सरकार चुनाव प्रचार में लाखों का खर्च करके ये साबित कर दिया है कि इन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जनता को गुमराह करना और झूठे वादे करना ताकि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापस आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।